ये हमारा सांप का है और ये वाला हमारा नया ये शेप में सिक्के तरह का इधर तैयार हुआ है। इसके ऊपर वैसा ही डिजाइन बनेगा, वैसे सब कुछ तैयार ही है। और आज हम सेंट्री का काम कर रहे हैं, पाइप फिटिंग का। ये हमारी गैस लाइन है और ये लड़का गैस लाइन साफ कर रहा है। कनेक्शन हमने बाहर से ले लिया था, गैस के अंदर आ गया। ये गैस लाइन है, ये देख सकते हैं। ये पहले हमने मुकम्मल कर लिया था सारा, अब हमारा इधर वाला प्रोसीजर आ गया। ये तकरीबन हमने सारा मुकम्मल कर लिया था। इसके लाने खाली करने के बाद इधर से हमने अंडरग्राउंड किया, ये सारा हो गया था, कंक्रीट हो गई इसकी। और अब इधर से हम ये वॉश बेसिन है हमारा ये वाला, उसके बाद ये हमारी टैंकी है, ऊपर वाली टैंकी है, ये देख सकते हैं आप। ये टैंकी हमारी ऊपर छत पे जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये शावर है, ये लाइन जा रही है हमारी, ये हमारी शावर की लाइन है। ये हमारा सिंगल वॉशरूम है, इसमें वायरिंग भी सिंगल की हुई है, ठंडे पानी की, कोल्ड वाटर जो मोटर से डायरेक्ट आएगा। और ये हमारा WC का पॉइंट है। ये हमारे हमने शावर टॉयलेट की टूटी दी है, टॉयलेट शावर ये टूटी है। और ये वाली हमारी बच्चों के लिए छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं धोने वाले, पैम्पर वगैरह या नैपीस, ये उनके लिए हमने टूटी दी है इधर ही वॉशरूम में, WC में। और साथ ये हमारी मोटर है, इसको भी हम इस साइड से कनेक्शन देंगे और ये हमारी मिल जाएगी। इधर हम दूसरा कनेक्शन ले आएंगे ये वाला। इस तरह हमारी मोटर और वाटर सप्लाई मुकम्मल हो जाएगी, देख सकते हैं। हमने बाहर से गैस भी कर ली थी और ये वायरिंग हमने सारी अभी आज की है, इस तरह देख सकते हैं आप। ये हमारी ये वाली लाइन जो है, ये सैंक की लाइन है, पानी वाली वाटर सप्लाई। और ये वाली लाइन जो है, ये हमारा गैस है, किचन में जाएगा। ये हमारा किचन है, किचन भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई आगे नहीं जाना लड़के, इधर ही नीचे जो इसका काउंटर बनेगा ना, उसके नीचे आ जाएगा गैस का पॉइंट। और ये वाला हमारा पानी है, ये सैंक के ऊपर ही देंगे। ये 18 इंच इधर दीवार छोड़ के और सेंटर में हम सिंक दे देंगे। टैंकी नहीं होनी है जी, हमारी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। एक हमने दी है ये पराही टैंकी के लिए, जब टैंकी के ऊपर पानी जाएगा ये भरेगा इसको, और दूसरा जो ओवरफ्लो होगा पानी, ये देखते हैं। ये लाइन हमने इसको भी अंडरग्राउंड कर दिया है, ओवरफ्लो फ्लो टैंकी का जो है वो छत पे नहीं गिरेगा, वो हमने इधर नीचे दिया है। ये देखें, ये ओवरफ्लो है, इसको हमने नीचे दिया है। जब पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, भर जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी वायरिंग सारी मुकम्मल हो गई है। ये हमने पुराना वाल दिया है, नया उतार लिया है, इसलिए कि जब ये प्लास्टर करेंगे हम इसको चेंज करेंगे। और नया जो प्लास्टर से पहले है उसको सेव कर लेते हैं, इसलिए बाद में जब हम लगाएंगे ये क्लियर हो गया। ये हमारी सारी वायरिंग ओके है, ये देखें, इधर भी हमने मुकम्मल कर लिए। हमारी गैस है नीचे, ऊपर पानी है। ये गैस हमने इधर दिया है नीचे कैबिन में,
ये नीचे गैस है, ये ऊपर सिंक का पॉइंट है, यहाँ पे सिंक लगा हुआ हमारा, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सारा सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। वो साथ में एक हमारी सीवरेज की लाइन है, किचन का पानी हमने इससे बाहर निकालना है। यहाँ से हम इसको अंडरग्राउंड करेंगे, करने के बाद ये हमारा किचन का पानी आउट है। इधर हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। हाँ जी चलेगा।